अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। प्यारी सी जगह से, प्यारी सी जो जगह है आपसे शेयर कर रही हूँ, और इस प्यारी सी जगह का नाम है बैरिया टाउन। बैरिया टाउन में ये बर्ड्स का जो है हाउस है, और आपको यकीनन मेरी तरह बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ से गुजरते गुजरते मुझे अच्छा लगा तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ पिंडी इस्लामाबाद की डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ की मार्केट्स और बहुत से पार्क्स और बहुत और एंटरटेनिंग प्लेसेस। तो आज आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बहरिया टाउन का थोड़ा सा आपको नज़ारा कराऊंगी, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं PWDE मार्केट की जाने। नाम सुना होगा आप सबने, जो जो रहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो वो जानते होंगे और गए भी होंगे वहाँ पर। तो मैंने सोचा आज आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं। मैं गुजर रही थी यहाँ से और मैंने सोचा चले एक रोड ट्रिप आपको करवा दिया जाए। बहुत अच्छी मार्केट है, सब कुछ मिल जाता है, रीज़नेबल भी मिल जाता है, सब ब्रांड्स भी हैं। तो चलिए आपको PWDE मार्केट की जानिब लेकर जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, हर तरह की शॉप्स हैं, यानी कि ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं और बाकी जो हैं कपड़े जूते और इवन ज्वेलरी की शॉप्स भी हैं। तो वो आपको मैं आगे दिखाने वाली हूँ। साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और जो जो मेरी वीडियो को लाइक करता है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं, मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं, इसके लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, मेरी ढेरों दुआएं आप सबके लिए हैं। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करिए। तो ये देखिए बहरिया टाउन से निकल आए बाहर, तो बाहर जो आता है मेन रोड उस पर आप लोग जब चलते हैं तो आगे जाके वो आ जाती है जनाब PWDE मार्केट। और इसके बाद आगे काफ़ी सारी हाउसिंग स्कीम्स भी हैं, और वहाँ पर भी कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको वो सारी दिखाऊंगी। बहुत प्यारी जगह है। तो ये देखिए बहुत प्यारी मार्केट है, बहुत बिजी मार्केट है, और रश भी काफ़ी होता है यहाँ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा रश भी है। थोड़ा सा ये है कि रोड थोड़ा गड़बड़ है, रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है, पर यह है कि आपको हर चीज़ एक जगह से मिल जाती है। तो मैंने सोचा यहाँ से मैं गुज़र भी रही हूँ, लिया तो मैंने कुछ भी नहीं, पर आपको मैंने सोचा विंडो शॉपिंग करवा दी जाए रोड के ऊपर से। और ये देखिए पंजाब कैश एंड कैरी है, यानी कि ग्रॉसरी स्टोर भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, आगे और भी आएंगे, और छोटी मोटी और भी सारी शॉप्स हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं। आप लोग यहाँ पे डिनर लंच सब कुछ कर सकते हैं, पेट्रोल पंप भी है, और आगे आप देखेंगे हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल तो मेन ज़रूरी चीज़ है, तो वो भी है वहाँ पर। यहाँ पर जो गरीब लोग रहने वाले हैं उनके लिए काफ़ी सारी सहूलियात हैं यहाँ पर, और सब ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि काडी आपको नज़र आ रही होगी, और काडी की बहुत बड़ी आउटलेट है यहाँ पर, और इसके साथ साथ बाकी सारी ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद थी जो आगे चलकर आप देखेंगे, पर आपको अभी मैं दिखा रही हूँ काडी। और ये एक सैलून है उसकी भी है, और तंदूरी रेस्टोरेंट भी है, जिसने खाना है देसी वो जा सकता है तंदूरी पर यमी यमी खाने खाने। और ये देखिए रश के हालात, दिन का टाइम है और यहाँ पर लोगों की हाई आई हुई है काफ़ी सारी तादाद, गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग आए हैं शॉपिंग करने। और वैसे ये मेन रोड भी है तो यहाँ से और लोग भी गुजरते हैं। ये देखिए ज्वेलरी की शॉप्स, देखिए मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज्वेलरी शॉप देखी, यानी कि रियल वाले गोल्ड ज्वेलरी की शॉप, गोल्ड ज्वेलर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। जिसने शादी की शॉपिंग करनी हो वो भी यहाँ जा सकता है, और वैसे भी जाके शॉपिंग कर सकता है। तो अच्छी एक मसरूफ़ जगह है, मसरूफ़ सड़क पर है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी रश होता है। और बीच में जो है काफ़ी सारी जो है फ्रूट शॉप्स, मुर्गी की, जैसे कि पोल्ट्री, यहाँ पे मुर्गी और बकरा फॉर्म आई थिंक लिखा हुआ था, तो यानी कि मीट भी मिलता है यहाँ से। और मीट से याद आया आगे जो है मीट की K&N और उस तरह की और भी काफ़ी शॉप्स हैं, गोल्ड पॉइंट भी मौजूद है। आपको मैंने बताया था ना कि गोल्ड की काफ़ी सारी शॉप्स हैं, मीट प्रो और K&N, ये दोनों यहाँ मौजूद हैं, जिसको जहाँ से मीट चाहिए वो ले सकता है। और उसके साथ साथ देखिए हर तरह की जो वैरायटी है यहाँ पे, मोल्टी फॉर्म, ड्यूरा फॉर्म, सारा जो कुछ आप लेना चाहते हैं घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। और सिटी सेंटर है जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो यानी कि अच्छी है। बरीज़ा, शनायर, ये सारी ब्रांड्स भी मौजूद हैं, और गिफ्ट सेंटर भी मुझे नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। और KFC बच्चों की पसंद, ये भी है, जो ये खाना चाहिए तो वो भी खा सकता है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ और एक छोटी सी वीडियो बना ली थी आपके साथ। और इसी तरह मैं पिंडी इस्लामाबाद की जो है काफ़ी सारी आप लोगों से ना वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो जो नहीं जा सकता वो देख ले, और अगर जाना चाहे तो यहाँ जाके शॉपिंग कर सकता है। और अच्छा यहाँ पे सितारा स्टूडियोज़ भी मौजूद है, यानी कि जिनको इनके कपड़े अच्छे लगते हैं तो वो भी यहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं।
यानी कि हर तरह की चीज़ यहाँ से आपको दस्तयाब है, आप लोग ले सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि कारपेट शॉप भी हैं यहाँ पे, कर्टन्स, कारपेट सब कुछ था। तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी मेरी ये वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेट्रो शूज़ भी मौजूद हैं, देखिए शूज़ भी आ गए, कपड़े तो थे ही शूज़ भी आ गए हैं, और काफ़ी सारी और ब्रांड्स भी आपको भी नज़र आने वाली हैं, लोगो स्टोर भी है, ठीक है। और कोई सेल मेला भी लगा हुआ था, तो आप लोग यहाँ जा सकते हैं और अपनी जो है शॉपिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं जो है और भी एक डिफरेंट मार्केट का भी व्यू भी करवाने वाली हूँ, और वो तो है कमर्शियल मार्केट, रात का व्यू है और वो बारिश का व्यू है। बारिश में हम लोग गए थे कमर्शियल मार्केट शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग जो है आई थिंक हमने की थी या नहीं की थी, बहरहाल मैंने सोचा आपके लिए एक क्लिप बना लूँ रोड पर। बारिश के साथ साथ बारिश का मंजर है, और हम लोग हैं कमर्शियल मार्केट में, रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में। और देखिए खूब बारिश में भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, कितना रश है, पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है, और रोड्स पे भी देखिए कैसे जो है गाड़ियाँ चल रही हैं आगे पीछे। हम लोग असल में गए थे यहाँ पे आई थिंक कुछ खाने पीने के उससे ही गए थे, KFC गए थे राफ़ी की फरमाइश पर। बहरहाल आपको ये मैं आपको मार्केट के जो है मैंने सोचा विज़िट करवा दूँ, बॉर्जन और डाइनर्स और ये सारी ब्रांड्स हैं। ये आई थिंक चांदनी चौक वाला जो रोड है उस पर है, जुगनू वसीम भी है और यहीं पर है KFC। तो हम लोग दिल चाह रहा था KFC खाने का, तो हम लोग गए थे KFC। निशात लीलन भी है यहाँ पर, और आ गया जनाब KFC, बच्चों बड़ों सबकी पसंद। और हम लोग ये यहाँ पे रुक गए अभी और अंदर जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का भी विज़िट, क्योंकि ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मेरा दिल कब से कर रहा है ये वीडियो आपसे शेयर करने को। इसमें ऐसा था कि इसमें ना राफ़ी आपको काफ़ी सारी चीज़ें वो बताना चाह रहे थे, बहरहाल मैंने उसको, काफ़ी शोर था वहाँ पे, तो उसको मैंने म्यूट करके ऊपर वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। ये हम लोग एंटर हो गए हैं KFC में, और जो वहाँ पे मैप बना हुआ था और जहाँ पे उसके इस्टेब्लिश्ड होने का लिखा हुआ था, और ये कि पाकिस्तान में कब आया KFC, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है, और USA में इसका स्टार्ट हुआ था 1940 में। तो केंटकी फ्राइड चिकन है, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान में 1997 में आ गया था जनाब ये। तो राफ़ी ये कुछ बताना चाह रहे हैं, वहाँ बहुत शोर था, उनकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने म्यूट किया आपको मैं बता रही हूँ, वरना आपको अच्छा लगता यकीनन उनसे सुनकर। यहाँ हमारा छोटा सा जो है ऑर्डर रेडी हो गया था, तो हम लोग वो ले रहे हैं, और ये था चिकन पीसेस थे आई थिंक यम्मी यम्मी से, तो हमने ले लिए ये, और हम लोग चल पड़े वापस अपने घर की जानेब। और लास्ट में आपसे एक मैसेज शेयर करूंगी कायदे आज़म की ज़िंदगी के बारे में, उनके जो कोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए, उनको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एक कौम की कामयाबी का राज इन तीन चीज़ों में है। जैसा कि उन्होंने ये भी कहा है कि काम काम और बस काम, यानी कि काम काम और बस काम, तो आप अगर अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर लें तो आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, बल्कि सवर जाएगी। तो मेरे मैसेज को ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और इसके साथ ही वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसको खूब इंजॉय किया होगा। तो चलिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।